नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक ऐसी बकरी आई है जो हमारे हिम्मत जी देख रहे हैं। इसको खड़ा करने पे बड़े मुश्किल से खड़ी होती है ये, और जब खड़ी हो भी जाती है तो लंगड़ा के चल रही है। पशु मालिक ने हमें बताया है कि ये आज राइट वाला जो पैर है आगे वाला उससे लंगड़ा रही है, जबकि कल ये जो है वो लेफ्ट वाले से लंगड़ा रही थी, और चरना पीना पिछले 3 दिन से बंद है। हमारे एक कंपाउंडर भाई वहाँ गए थे, उन्होंने कुछ इंजेक्शन भी लगाए, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने विटामिन B1, B12, B6 का इंजेक्शन भी लगाया है, और एक दर्द के लिए उन्होंने मेलोक्सिकाम पैरासीटामोल इंजेक्शन भी लगाया है। इसके अलावा इन्होंने इसकी डीवॉर्मिंग भी करवाई थी कल। कल तक ये ज़्यादा सीरियस नहीं थी, अब आज इसकी कंडीशन थोड़ी सी गंभीर हो रही है। हमारे हिम्मत जी चेक कर रहे हैं कि कहीं एसिडोसिस या एल्कलोसिस तो नहीं है, तो इन्होंने चेक कर लिया दोनों तरफ से हिला करके। एसिडोसिस एल्कलोसिस कुछ नहीं है, फिर भी ये इस प्रकार से चल रही है, नसों में इसके खिंचाव है। तो ये बड़ा ही पेचीदा केस हमारे पास आया है। इसको भी अगर जहाँ पे ये बंधी हुई थी वहाँ हमने देखा तो वहाँ इसने डायरिया भी कर रखा है, जबकि किसी प्रकार का पॉइजनिंग नहीं है, ना कोई एक्स्ट्रा फूड खिलाने की इसकी कोई हिस्ट्री है, ना इसको कहीं बाहर भेजते हैं कि इसने कुछ अटपटा खा लिया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी इसकी नसें जो है वो एकदम से जाम हो रखी है। तो फ्रेंड्स, ऐसा केस अगर आपके साथ हो जाए तो आपको क्या इलाज करना चाहिए, वही आज वीडियो में हम समझाने वाले हैं कि इस प्रकार के केसेस में हमें क्या इलाज करना चाहिए। कभी कभी ये पेशाब भी कर रही है और कभी कभी लंगड़ा भी रही है, मतलब चलते समय इसका कंट्रोल नहीं रह रहा है तो ये गिर भी रही है। अभी इसको ब्याए हुए यानी कि बच्चे दिए हुए, दो बच्चे हैं इसके, बच्चे दिए हुए अभी 2.5-3 महीने हुए हैं, प्रेग्नेंट नहीं है। तो इसका हमें क्या इलाज करना है, तो आइए इलाज की तरफ बढ़ते हैं। तो इलाज में अगर हम देखें तो हमारे हिम्मत सिंह जी अभी इलाज करेंगे। पहले तो इसको ड्रिप लगाने का विचार किया है, वो भी D5 इसको दिया जाएगा। तो ड्रिप लगाने के लिए हिम्मत जी इसको लेटा रहे हैं, क्योंकि खड़े रहना इसके लिए मुश्किल है। खड़े खड़े अगर लगाएंगे तो ये रुकेगी नहीं 15 मिनट तक, और ये नीचे बैठ जाएगी तो फिर डिस्टर्ब होगा। तो इस प्रकार से पैर पकड़ करके इसको लेटा दिया गया है। अब लेटाने के बाद सही दिशा में, जैसे नीचे हमने कोई टाट वगैरह बिछा लिया हिम्मत जी ने, और अब इस प्रकार से इसको पकड़वा देंगे। ये देखिए, आराम से पकड़वा दिया है। अब चलते हैं इंजेक्शन की तरफ। तो इन्होंने DNS लोड कर लिया है और अब ये इसको ड्रिप लगाएंगे। ड्रिप हमारे हिम्मत जी है वो भी उसी प्रकार से लगाते हैं, निडल डायरेक्ट डाल करके। इनको भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि निडल आराम से डाल करके ये लगा देते हैं। ये देखिए, नज़दीक से थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, बिल्कुल यहाँ से जो अंगूठा इन्होंने दबाया है लेफ्ट हैंड का, तो राइट हैंड से देखो निडल आराम से दिख रही है, बिल्कुल ये इसमें आराम से डाल दे, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। दबा के देख लिया, बिल्कुल सही लगा हुआ है। अब ये एक बार और चेक कर रहे हैं कि कहीं आउट तो नहीं है। तो इस प्रकार से अब इन्होंने ये ड्रिप जो है वो चालू कर दी है। ये देखिए, ये चालू कर दिया है इन्होंने। अब इसमें कौन कौन से इंजेक्शन मिलाने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला इंजेक्शन जो इन्होंने तैयार किया है वो है विटामिन B1, B12 और B6 के लिए, जो कि सीधा ड्रिप में ये लगा रहे हैं। दूसरा जो इंजेक्शन ये लगा रहे हैं वो है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। कई हमारे जो फ्रेंड्स हैं ये लगातार पूछ रहे हैं कि कौन कौन से इंजेक्शन ड्रिपों में लगाए हैं, कौन कौन से नहीं लगाए। तो अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए रहेंगे तो ये सारी जानकारियाँ आपको लगातार प्रैक्टिकली मिलती रहेगी। ये देखिए, पहले इन्होंने B1, B12, B6 वाला डाला था, अब ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन डाल रहे हैं। एक भाई ने मुझे कॉल किया था जो मुझसे कॉल से जुड़े हुए हैं कि ऑक्सी डालते ही क्या ड्रिप खराब हो जाती है। तो आपके सामने है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, हमारे हिम्मत जी ने डाला है, किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शंस नहीं है, एकदम से ओके है। अब ये न्यूरोकाइंड वाला जो फॉर्मुलेशन है वो भी डाल रहे हैं, यानी मेथिलोकोबालामिन जो है वो भी 3 ml इसके अंदर डाल दिया है। ये इलाज इन्होंने किया है, क्योंकि इसके दो बच्चे हैं तो उनके लिए दूध ये तैयार हो जाए तो उसके बाद दूध आ सके, इसके लिए इन्होंने
डेक्सामेथासोन नहीं लगाया है, जबकि इस केस में अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप डेक्सामेथासोन भी लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन इन्होंने लगाए हैं। अब देखिए फाइनली इन्होंने विचार कर ही लिया है डेक्सामेथासोन लगाने का, मेरी बात का इन पे असर हो गया है मुझे लग रहा है। तो ये डेक्सामेथासोन भी 2 ml इन्होंने ड्रिप में डाल ही दिया है। ये देखिए अच्छा रिजल्ट तो पाना चाह ही रहे हैं, खैर तभी इन्होंने ये स्टेप लिया है, तो डेक्सामेथासोन भी डाल दिया, तो चारों इंजेक्शन ड्रिप में लग गए हैं। 15 से 20 मिनट का समय इस ड्रिप में लगेगा। तो ये 15 मिनट का समय होने के बाद ये हिम्मतजी ने ड्रिप निकाली है, निकालते समय तुरंत पशु मालिक को बोल दिया है कि यहाँ से दबा दे ताकि ब्लड बाहर ना निकले। आप भी साथियों कभी भी ड्रिप लगाते हैं तो आप ये बिल्कुल देखना कि क्या आपके हाथ पे कहीं ब्लड लगा है, क्या बकरी को कहीं बाहर ब्लड लगा है, या ज़मीन में कहीं ज़मीन पे ब्लड गिरा है आईवी जुगलर वेन से। अगर ये जब तक गिरता है इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस जो है वो फैक्ट नहीं है, आपके हाथ में अभी तक इतनी सफाई नहीं आई है, क्योंकि सफाई तभी आएगी कोई ब्लड नहीं, चाहे आप खड़े खड़े लगाओ या आप लेटा करके लगाओ, ब्लड इधर उधर नहीं बिखरना चाहिए। यही प्रैक्टिस की निशानी है कि आप अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, तो पशुपालक के ऊपर भी इसका थोड़ा सा इम्प्रेशन जो है वो अच्छा रहता है। नहीं तो ज़्यादातर जो गाँव में क्या होता है कि ब्लड देखते हैं ना तो पशुपालक भी घबरा जाते हैं। कई भाई तो ऐसे होते हैं जो बकरी पकड़ने के लिए नहीं आते हैं कि नहीं 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 मेरे से ब्लड नहीं देखा जाता। तो खैर छोड़िए इन बातों को, आगे चलते हैं मस्कुलर इंजेक्शनों की तरफ। अब क्योंकि फूड पॉइजनिंग का डाउट तो ज़रूर है, क्योंकि ये जो है वो दस्त कर रही है, हमने अंदर देखा था बाड़े में, तो हमारी हिम्मत जी ने एट्रोपिन सल्फेट लगाने का निर्णय लिया। कई भाई पूछते हैं एट्रोपिन में कौन सा साल्ट है, तो एट्रोपिन ऑलरेडी ये साल्ट ही है, और एट्रोपिन जो इंजेक्शन है वो कई कंपनियों के आते हैं, उनसे हमें कुछ नहीं करना, हमें एट्रोपिन सल्फेट यूज़ करना है। उसके बाद ये देखिए ये डायरिया यहाँ पे भी बकरी ने किया है, तो फूड पॉइजनिंग मतलब थोड़ा बहुत चांसेस लग रहा है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि दोबारा नहीं आकर के हमें एक बार में ही रिजल्ट देना है। सेकंड कीटोप्रोफेन यूज़ किया इन्होंने, जो दर्द सूजन बुखार और पेट दर्द सभी में काम करता है। ये इन्होंने 3.5 ml कीटोप्रोफेन ले लिया है और बकरी को इंट्रामस्कुलर लगा दिया है बैठे बैठे ही। ये दोनों इंजेक्शनों का काम हो गया, वापस पानी से साफ कर लिया। हिम्मत जी भी हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमारे साथ करते हैं, बढ़िया सहयोग इनका हमारे लिए रहता है। स्टेमेंट और एलार्जिन, कहने का मतलब CPM और बी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों भी ये लगाएंगे। बी कॉम्प्लेक्स थोड़ा कम लगाएंगे क्योंकि पहले से B1 B12 B6 और मेथलाकोबाल ने अलग से लग चुका है, तो ये आराम से पकड़ करके और लगा दिया। ये मस्कुलर इंजेक्शन ये हो गया। इसके बाद ये किस इंजेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये इन्होंने उठाया है केविट। फ्रेंड्स विटामिन ए के लिए, यानी विटामिन ए के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस इंजेक्शन में है, यानी आपको विटामिन ए का भी कोई सा भी इंजेक्शन जो आपके पास है वो भी ऐसे केसेस में लगाना है, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन ए जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ए की कमी है तो आपको विटामिन बी लगाना ही होगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर विटामिन बी की कमी है तो आपको विटामिन ए लगाना होगा, उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये विटामिन ए भी इन्होंने अच्छी तरीके से डाल दिया है, अब अच्छी तरह से मालिश करवा देंगे। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से मालिश करवा दी है। ये देखिए डायरिया एक बार फिर से भी दिखाया गया है, थोड़ा सा पतला गोबर कर रही है ये, मिंगनी नहीं कर रही है। अब इन्होंने एसएनली फोर्ड जो बोलस है वो दी है, जिसमें सोडा बाई कार्ब भी है, विटामिन B1 भी है, कॉपर कोबाल्ट भी है, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट भी है, और प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक भी है। ये तो साथियों अगर आप बकरी वाले चैनल पे जो भी इलाज बताया जा रहा है उससे संतुष्ट हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपको गाय भैंस का इलाज देखना है प्रैक्टिकली, तो ऊपर जो आपको गोला
नज़र आ रहा है उस पे आप क्लिक करके और गाय भैंस वाला चैनल वेट्स क्लब इन हिंदी वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम सभी प्रकार के इलाज जो है वो प्रैक्टिकली दिखाते हैं गाय भैंस के।